ट्रैवलिंग और परेशानी, उनको सब कुछ शेयर करने में आई थी। मेरे काफ़ी दोस्तों के यहाँ अवार्ड मिला है और इतने अच्छे इंटरेस्टेड अवार्ड हैं ये, तो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं सारे। सारी फीलिंग वेरी एक्साइटेड है, अभी मैं अवार्ड लेके आई हूँ, इट्स वेरी वेल ऑफ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, उन्होंने इतने अच्छे अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए हैं, हमने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को अवार्ड मिला है। तुलसी को अभी मेरा तुझे मिला था और उसे अवार्ड मिला है और सारे इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिला है और इतने अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हमें सब कुछ शेयर कर रही थी, आज मैं नॉमिनेटेड नहीं थी क्योंकि अभी मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो यार नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पर अवार्ड लेने आऊँगी। Thank you. Visual. एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, यू नो इट्स समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्राइड कि मैं इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ, आई थिंक जितने भी नॉमिनीज हैं एवरीबॉडी लव यू नो, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन नाइट एंड या हैप्पी हैलोवीन। आई थिंक एक एक्टर को भी आजकल इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम यू नो जब मैं एक्टर बना था अबाउट 8-9 साल पहले, ये इन्फ्लुएंसर जो टैग था ये जो डेजिग्नेशन था इट डिड नॉट एग्जिस्ट, बट टुडे यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई होप आई एम ऑल्सो एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल्स परसेप्शन। Yes, I have a Dhamma film coming up in December called Yodha with Siddharth Mohra and Disha Patni and Rashi Khanna, looking forward to that. And I have a show with KK Menon coming up called Mission, that should be out sometime next week. So these are the upcoming releases. Right? यहाँ पे थोड़ा न्यू कैमरा I am very happy and excited. So मुझे मिला है Fashionista Award of the Year and fashion मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. I think it defines me as a person. So बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है and I hope कि मैं नए नए fashion looks के साथ आप लोगों को और ज़्यादा entertain करूँ. So yeah. बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत जल्द आप लोग मुझे दूसरे अवतार में देखने वाले एक नए प्रोजेक्ट में, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, आई होप यू गाइस लाइक इट। आपको रियलिटी शो से बड़ा ऑब्सेशन है ना, आप हमेशा मुझे पूछते हो उसके हवाले से। नहीं, रियलिटी शो थोड़ा सा टाइम है बट उससे ज़्यादा आतंक क्या प्रॉमिस आप लोगों को पसंद आएगा। बिग बॉस 17 मैं ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ, पर मेरा एक दोस्त है अभिषेक जो उसके अंदर है और मैं उसको फुल सपोर्ट कर रही हूँ और आप लोग भी उसको बहुत सारे वोट्स दे रहे हैं। अभिषेक
आज खुद अपनी जिंदगी से ठीक है. आई थिंक सबका मोहब्बत जताने का तरीका अलग अलग होता है. अभिषेक में भी थोड़ा सा अग्रेसिव है बट दिल का बहुत साफ है और मेरा दोस्त है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ. आई थिंक मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है लोगों का दिल तोड़ देती है, तो अभिषेक के साथ भी वही हो रहा है. बट ऑल आई नो इज वो दिल का अच्छा है और ही डिजर्व्स द बेस्ट. तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि वो सेंसिटिव इंसान है. मुझे पता है कि लोग बोल रहे हैं कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है या वो ऐसा है वैसा है. आई डोंट थिंक दैट इज फेयर टू से दैट कि वो किसी को कॉपी कर रहा है. सबकी इंडिविजुअलिटी होती है बट जस्ट बिकॉज हम बिग बॉस इतने अरसे से देखते हुए आ रहे हैं हम रिलेट करते हैं यू नो कि हाँ इसकी ये अदा उसकी तरह या उसकी ये अदा इसकी तरह. इतनी जल्दी जज नहीं करते. अभी शुरू हुआ है उसका थोड़ा सा टाइम. ओके यहाँ पे लुक कैमरा कैसे हो. बहुत कुछ बोलने को है बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम. बट जब मौका होगा डेफिनेटली आप सबको पता चलेगा एंड होपफुली सून आप सबको पता चलेगा कि जो नया प्रोजेक्ट है. तो थैंक यू लेट्स मूव ऑन गाइस बिग बॉस इज ओवर नाउ. तो लेट्स नाउ मूव हमारा तो चला गया राइट. तो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड आई थिंक आपको और नया कॉन्टेंट मिलेगा मुझसे. थैंक यू. अभी तो फिल्में कर रहे हैं तो आप उसका इंतजार करें. मुझे हमेशा लगता था कि रियलिटी शो में रियल रहना ज़्यादा ज़रूरी है बट एक करके मैंने देखा शायद दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. तो मेरा ये प्रेफरेंस तो नहीं रहेगा बिकॉज अभी मेरा फोकस ये है क्योंकि एक्टिंग इज मोर अबाउट रियलनेस ऑथेंटिकनेस. तो वो मेरा फोटो है तो मैं वहीं फोकस कर रही हूँ फिलहाल. थैंक यू थैंक यू. यहाँ पे लुक यार हमारा
यहाँ पे क्या बात है, वापिस वंस मोर अभी यहाँ पे सेकेंड मार्क लुक यार कैमरा लुक बाय कैसा लग रहा है अवार्ड by Diya Jain.
ये सिलसिला तो चलता रहता है, नया शो आता है, पुराना शो जाता है, सो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. चल रही है सिलसिला, चल रहा है कुछ और जल्दी कुछ गुड न्यूज. देखो सम्मान सम्मान ही होता है, ना कोई अवार्ड बहुत बड़ा होता है ना कोई बहुत छोटा होता है. जब भी आपको कोई सम्मान दिया जाता है तो आपको अच्छा लगता है. कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसे सम्मानित किया जाता है और उसके अच्छे कार्यों के लिए, और जब वो कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उसे सम्मानित किया जाता है. इट्स लाइक जैसे ना हर बार ट्रेंड चेंज होता है, जैसे बोलते हैं कि पहले टीवी पे हम देखते थे, फिल्में सिनेमा में देखते थे, फिर एक टाइम आया कि हमने OTT पे देखना शुरू किया अपनी मर्जी की फिल्में, अब फ़ोन पे भी देखना शुरू कर दिया. तो आजकल का जो ज़माना है, आई थिंक डिजिटल ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स ये अलग कैटेगरीज बन गई हैं और सबका अपना अपना टैलेंट है, इसी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है सबको. तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सब टीवी तक नहीं पहुँच पाते थे. उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, अपना डिस्प्ले किया अपने टैलेंट का, चाहे वो रील्स बनाना है, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो आई थिंक इट्स अनदर प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर्स. अभी मेरा एक शो चल रहा है तेरी मेरी डोरियां ऑन स्टार प्लस, सावी की सवारी कलर्स पे है, ना उम्र की कोई सुबह स्टार भारत पर है. तीन शो चल रहे हैं, वही ध्यान लिए रहते हैं. अभी स्वास्तिक का नया शो शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ रामायण. ये द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, ये कहीं भी तीर मार सकते हैं. तो जैसे अभी इस शो में मैं इनका बेटा बनाऊँ तेरी मेरी डोरियां में, और उसके अलावा और दूसरे शो में कोई और इनका बेटा बना. तो इन्होंने सब जगह तीरंदाजी की हुई है, इसीलिए जब हम छोटे थे इनको देखते थे तो गुरु द्रोण क्यों कहते हैं आज समझ में आया. उत्तरन थैंक यू थैंक यू. This side. और थोड़ा और थोड़ा. भाभी देखिए भाभी देखिए. हाई डेफिनेशन है. चश्मों का बड़ा शौक है. यही चश्मे अच्छे हैं, आप नहीं अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं. हाँ सर, मतलब तोहफे के पहले भी रंग लाई थी, बहुत अच्छा लगा. जब पीछे जाता है तब भी अच्छा लगता है, लेकिन हम काम करते हैं तो अच्छा लगता है. ये मिलता है तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबके लिए रंग सारे रामा अन्ना राहुल देव ईशा एवरी वन माई क्रिएटर्स अंटल के लिए मिला है, तो थैंक यू सो मच. फैंस के लिए तो बस यही है यार, बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों की वजह से. आप लोग इतना हाइप करते हैं, मैं लोगों को खुशी लगे रहते हैं कि जो ट्रूली डिजर्विंग उन्हें मिले. थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, आई लव यू गाइस, दिस इज फॉर यू गाइस एज ऑलवेज. थैंक यू बाय बाय. तू ले ले जब नहीं देने का. Yeah.
अगर विजुअल कर लेते यहाँ पे विजुअल कर लो, हाँ थोड़ा और इधर सर, थैंक यू। सर थोड़ा और इस साइड, थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है कि इस तरह के अवार्ड्स हो रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारा नया टैलेंट उभरत रहा है और उनके रिकग्निशन के साथ साथ उन्हें आई थिंक अगर अवार्ड मिलता है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी मेहनत करते हैं अगर उसको अप्रिसिएशन मिले, अगर उसे अवार्ड मिले तो आई थिंक इससे बेहतर और कुछ नहीं। यस यस डेफिनेटली। सो बेसिकली वी जस्ट एक्सपेक्टिंग आश्रम 4, आश्रम 1, आश्रम 2, आश्रम 3 रिलीज़ हो गया, आश्रम 4 अब आएगा। एंड जो मेरा टीवी का कमिटमेंट है वो चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दैट्स अबाउट इट। लुक हियर, हियर दिस कैमरा, दिस कैमरा, दिस कैमरा, थैंक यू। इसका अलावा आप बोला म्यूजिक एल्बम साथ में करने वाले, पूछने मतलब मोबाइल सेट करो, तो सरप्राइज है, अभी क्यों बता रहे हो करण? सर थैंक यू बिग बॉस देख रहे हो आप? बोलेंगे नहीं। अच्छा वर्ल्ड कप देख रहे हो आप? वर्ल्ड कप देख रहे हो? हां वर्ल्ड कप देख रहे हो। किसको क्या है देखना आप बताओ? इंडिया यार, अब पक्की बात इंडिया जीतेगी। कौन से फेवरेट आपका बैट्समैन है, बॉलर है? विराट। बॉलर? हां जी बॉलर में कौन फेवरेट? विराट। वाओ विराट का फैन तो मैं भी हूं। टीचर थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। मैम टेक केयर, आर यू टीचर है? इधर 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 और धक्का मार तो बा उधर चला जाऊंगा। नहीं नहीं मैं ऐसे भी हो जाते हैं। हां यही बोल रहा था मैं। लुक हियर, बेचारे को मिला नहीं है, देख लो इधर ये अभी आया, इसको थोड़ा देख लो। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, अभी जस्ट खाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। अरे डीजे देखो भाई क्या कर रहे हो, घूम गिरे। चलो बाय बाय, गुड नाइट। आगे क्या नाम है पूरा नाम? असिस्टेंट आर्टिस्ट। अच्छा आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, थैंक यू अदिति, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू। आउट हो गया था मोबाइल में, कौन सा फोकस आउट होता है रे? फिर भी हो गया, सोच के मैम जी ऊपर बोल दीजिए।
बाय बाय नहीं है।